वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तभी हम लोग बात करने वाले थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है, इसको हम लोग बेसिकली थ्री फेज कंट्रोल कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये थ्री फेज कंट्रोल कन्वर्टर, या फिर आप बोल सकते हो थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ये बेसिकली आपको दो टाइप का मिलेगा। एक हाफ वेव रेक्टिफायर मिलेगा और एक फुल वेव रेक्टिफायर मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। दोनों जो रेक्टिफायर है, इनका जो ऑपरेशन है वो एकदम सिंपल सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थ्री फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, उसकी जो सर्किट होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आपको टोटल कितने थायरिस्टर्स मिल रहे हैं? यहाँ पर आपको टोटल 6 थायरिस्टर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर आपको मिला, सिमिलरली यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T3 थायरिस्टर, और यहाँ पर ये T4 थायरिस्टर, ये T5 थायरिस्टर और ये T6 थायरिस्टर। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया लोड। यहाँ पर आपको तीन सप्लाई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ये थ्री फेज रेक्टिफायर है। यहाँ पर आपको तीन फेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर ये आर फेस और यहाँ पर ये वाई फेस हमने कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया बी फेस। यहाँ पर ये आपको जो वायर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपने कंसीडर कर लिया, ये एसी वोल्टेज आपने कंसीडर कर लिया। एसी वोल्टेज से पहले आपको जो वायर जो दिखाई दे रहा है, बेसिकली न्यूट्रल वायर है। यहाँ पर आपको मिल रही है आर फेस, यहाँ पर आपको मिल रही है वाई फेस, और यहाँ पर आपको मिल रही है बी फेस। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो वोल्टेज है वो आर फेस के लिए एसी वोल्टेज है, वाई फेस के लिए एसी वोल्टेज है, और यहाँ पर ये आपको बी फेस के लिए एसी वोल्टेज मिल गया। तो यहाँ पर अभी आप देखो आपकी जो सर्किट है वो किस तरीके से काम करेंगी। ऑपरेशन एकदम सिंपल है। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, VR इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, VY इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, VB इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, हमें पता है थ्री फेज सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हो पॉली फेज सिस्टम में हमें तीन फेसेस मिलती है, आर फेस, वाई फेस और बी फेस। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आर फेस है, यहाँ पर सबसे पहला ये जो रेफरेंस जो फेस है वो आर फेस है। तो यहाँ पर ये जो वाई फेस है वो आर फेस के 120 डिग्री पीछे, ये जो बी फेस है वो आर फेस के 240 डिग्री पीछे। इसको अगर हम लोग वेव फॉर्म से समझे, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमने जो वेव फॉर्म जो कंसिडर किया है, ये थ्री फेस वेव फॉर्म है। तो यहाँ पर ये वेव फॉर्म हमने कंसिडर कर लिया है सप्लाई वोल्टेज, इसके सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म हमने कंसिडर किया है जो कि थ्री फेस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आर फेस के लिए हमने साइन वेव कंसिडर किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये बी फेस के लिए हमने साइन वेव कंसिडर किया, ये बी फेस के लिए हमने साइन वेव कंसिडर किया, और यहाँ पर ये हमने वाई फेस के लिए साइन वेव कंसिडर कर लिया, वाई फेस के लिए साइन वेव। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पर ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये है क्या? ये ओमेगा टी की वैल्यू है। एक्स एक्सिस आपको क्या इंडिकेट करी है? एक्स एक्सिस आपको इंडिकेट करी है एंगल ओमेगा टी। तो एंगल ओमेगा टी की जो वैल्यू है उसको हमने कंसिडर किया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180, 210, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 330 डिग्री, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पर अभी आप देखो, और यहाँ पर हम लोग जो फायरिंग एंगल जो कंसिडर करते हुए चल रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू, वो है 0 डिग्री। मतलब फायरिंग एंगल 0 डिग्री, इसका मतलब जैसी पॉजिटिव हाफ या फिर नेगेटिव हाफ स्टार्ट होगा तो इंस्टेंटेनियसली आपका जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। या फिर आप बोल सकते हो फायरिंग एंगल 0 डिग्री हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे, इसका मतलब आपका जो थायरिस्टर है वो डायोड के तौर पर एक्ट करेगा। जैसे आपका डायोड कंडक्ट करता है वैसे आपका जो थायरिस्टर है कंडक्ट करेगा, और जब आपका थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो कौन सी कंडीशन होगी? शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी। और जब थायरिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा तो कौन सी कंडीशन होगी? ओपन सर्किट कंडीशन होगी। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये जो इक्वेशन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर ये जो आर फेस है, आर फेस की जो स्टार्टिंग है वो 0 डिग्री से हो रही है। यहाँ पर ये जो फेस है वो कौन सी फेस है? आर फेस। आर फेस की जो स्टार्टिंग है वो 0 डिग्री से हो रही है। एट दी सेम टाइम वाई फेस की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है? 120 डिग्री से हो रही है। वाई फेस की स्टार्टिंग 120 डिग्री से हो रही है। और एट दी सेम टाइम बी फेस की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है? 240 डिग्री से हो रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो वाई फेस है, ये जो वाई फेस है वो आर फेस के कंपैरिजन में 120 डिग्री पीछे, और यहाँ पर ये जो बी फेस आपको जो दिखाई दे रही है, जो बी फेस है, ये वाली जो फेस है बी फेस है, ये जो फेस है बी फेस है, आप केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर ये जो बी फेस आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो बी फेस है वो आर फेस के कंपैरिजन में 240 डिग्री पीछे है। तो जो इक्वेशन है वही आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो वाई फेस है, जो वाई फेस है वो आर फेस के कंपैरिजन में 120 डिग्री पीछे, और जो बी फेस है वो आर फेस के रेस्पेक्ट में 240 डिग्री पीछे है। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, और एक तरीका है समझने का, यहाँ पर जो आर फेस है उसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 डिग्री से हो रही है,
फिर उसके जस्ट 120 डिग्री बाद वाई फेस की स्टार्टिंग हो रही है, उसके जस्ट 120 डिग्री बाद बी फेस की स्टार्टिंग हो रही है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर आर फेस की स्टार्टिंग अगर 0 डिग्री से हो रही है तो जो वाई फेस की जो स्टार्टिंग होगी वो 120 डिग्री पीछे से होगी, और बी फेस की जो स्टार्टिंग है आर फेस के रेस्पेक्ट में वो 240 डिग्री के बाद होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से जो वेवफॉर्म है वो ये इक्वेशंस के साथ एसोसिएटेड, तो ये जो वेवफॉर्म इक्वेशंस के साथ एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते 0 डिग्री से 30 डिग्री। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा? 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और T6 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी हमें ये वाला इक्वेशंस कंसिडर करना है। अगर T1 थायरिस्टर और T6 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा? T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है और ये T6 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा? जो करंट है वो ये आर फेस के थ्रू कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर जो करंट है लोड के थ्रू फ्लो करेगा, फिर जो करंट है T6 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर जो करंट है वो ये वाई फेस के थ्रू फ्लो करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कौन कौन से फेस के थ्रू फ्लो कर रहा है? आर फेस के थ्रू फ्लो कर रहा है और वाई फेस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो आर फेस के लिए जो इक्वेशन और जो वाई फेस के लिए जो इक्वेशन है वो हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर अभी आपको क्या करना होगा, ये जो आर फेस का जो इक्वेशन है ये हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ओमेगा टी हमें कितना दिखाई दे रहा है? 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। 0 डिग्री से 30 डिग्री हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो जो ओमेगा टी है वो हमें कितना दिखाई दे रहा है? 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये ओमेगा टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 30 डिग्री पुट कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा वी आर इज इक्वल टू वी एम साइन 30 डिग्री। इसको कैलकुलेट करो तो जो आर के लिए जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा? अब वो आपको मिल जाएगा वी एम बाई टू। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये वाला जो इक्वेशन है वाई फेस के लिए, ये वाला इक्वेशन आपको कंसिडर करना है, और ओमेगा टी की जगह आपको क्या पुट कर देना है? 30 डिग्री। तो अगर ओमेगा टी की जगह आप अगर 30 डिग्री पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा वी एम साइन 30 डिग्री माइनस 120 डिग्री। 30 डिग्री माइनस 120 डिग्री आपको मिल जाएगा माइनस 90 डिग्री। आपको मिल जाएगा वी वाई इज इक्वल टू माइनस वी एम साइन 90 डिग्री। इसके आगे आपको क्या मिल जाएगा? वी वाई आपको मिल जाएगा माइनस वी एम। तो आपको क्या मिल गया? वी वाई आपको मिल गया माइनस वी एम। यहाँ पर आप अगर आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करो तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा ये वी एम के और ये वाले वी एम के। तो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा वी एम बाई टू, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। जो आउटपुट वोल्टेज है वो बराबर में रहेगा वोल्टेज अक्रॉस आर फेस, वोल्टेज अक्रॉस वाई फेस। तो जो आर फेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी एम बाई टू, तो यहाँ पर ये वी एम बाई टू, और वाई फेस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है माइनस वी एम, तो यहाँ पर ये वी एम। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 1.5 वी एम। तो आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिला? 1.5 वी एम मिला। यहाँ पर ये जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर दो तो आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगा 1.5 वी एम। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज 1.5 वी एम वो आपको कहाँ पर मिलेगा? वो समवेयर अराउंड यहाँ पर मिलेगा। तो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? आउटपुट वोल्टेज जो कि है 1.5 वी एम। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें अभी कौन सा 30 डिग्री से 60 डिग्री अभी हमें कंसिडर करना है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया 0 डिग्री से 30 डिग्री, अभी हमें कंसिडर करना है 30 डिग्री से 60 डिग्री। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी ये जो साइन वेव है वो कुछ इस तरीके से, ये जो साइन वेव है ये साइन वेव के रेस्पेक्ट में हमें चीज़ों को कंसिडर करते जाना है। अभी ये जो साइन वेव है वो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगी, मतलब ये जो एसी वोल्टेज है वो आगे इंक्रीज़ करेगा 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ। तो मान लेते जो एसी वोल्टेज है वो इंक्रीज़ किया 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का हमें ड्यूरेशन कंसिडर करना है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कौन कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा? T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T6 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था 0 डिग्री से, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में T1 T6 कंडक्ट कर रहा है। अगेन यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कौन कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है? T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। मस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, T1 थायरिस्टर यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है और ये T6 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। तो अगेन जो करंट होगा कैसा फ्लो होगा? यहाँ पर ये T1 कंडक्ट कर रहा है, T6 कंडक्ट कर रहा है, तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा? करंट यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, करंट ये लोड के थ्रू फ्लो होगा, फिर जो करंट है T6 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो होगा, फिर उसके बाद ये वाई फेस के थ्रू फ्लो होगा। तो अगेन हमें कौन सा इक्वेशन कंसिडर करना है? ये वाला इक्वेशन कंसिडर करना है, और ये जो वाई फेस का जो इक्वेशन है ये हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशंस कंसिडर करें, आर फेस का इक्वेशन और जो वाई फेस का जो इक्वेशन है, वो दोनों इक्वेशन हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंसिडर करें,
तो यहाँ पर ये जो ओमेगा टी आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह आपको क्या पुट करना है, 60 डिग्री पुट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। तो जो ओमेगा टी है इसके जगह आपको क्या पुट करना है, ओमेगा टी की जगह आपको पुट करना है 60 डिग्री, और यहाँ पर भी ओमेगा टी की जगह आपको क्या पुट करना है 60 डिग्री। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आर फेस के लिए जो वोल्टेज होगा वो होगा वी एम साइन 60 डिग्री, जो कि बराबर में होगा अंडर रूट 3/2 VM, और वाई फेस के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस वी एम साइन 60 डिग्री, जो कि बराबर में रहेगा माइनस अंडर रूट 3/2 VM। आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अंडर रूट 3/2 VM प्लस साइन अंडर रूट 3/2 VM। इसको आप अगर कैलकुलेट करो तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3/VM। तो यहाँ पर अंडर रूट 3/VM वो आपको समवेयर अराउंड यहाँ पर मिलेगा, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है अंडर रूट 3/VM। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज जो और इंक्रीज़ करेगा, जो वोल्टेज जो 60 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एसी वोल्टेज जो 60 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो अगेन 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में T1 थायरिस्टर और जो T6 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में T1 थायरिस्टर और T6 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो T1 थायरिस्टर और ये जो T6 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा। अगेन जो करंट होगा कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, T1 के थ्रू फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, T6 के थ्रू फ्लो होगा, फिर जो करंट है वो वाई फेस के थ्रू फ्लो होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको फिर से ये आर फेस का इक्वेशन और ये जो वाई फेस का जो इक्वेशन है आपको कंसिडर करना है, और ओमेगा टी की जगह आपको क्या पुट करना है 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल। तो यहाँ पर आप देखो 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का हम लोग एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो आर फेस का इक्वेशन और वाई फेस का इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ओमेगा टी की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 90 डिग्री पुट कर देंगे, 60 डिग्री के बदले 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री के बदले 90 डिग्री आई मीन यहाँ पर अगर आप देखो ओमेगा टी की जगह 90 डिग्री, यहाँ पर भी आप क्या पुट कर दोगे 90 डिग्री। तो ये जो आर फेस और वाई फेस के लिए जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा आपको मिलेगा VM, और जो वाई फेस के लिए जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा माइनस VM/2। जब आप आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करोगे तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.5 VM। तो यहाँ पर आप देखो जो 1.5 VM है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, अगेन यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिला, यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो किसके लिए, वो आउटपुट वोल्टेज के लिए, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिला। तो अभी सिमिलरली अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज होगा 90 डिग्री से 120 डिग्री की तरफ जाएगा, तो जब वोल्टेज 90 डिग्री से 120 डिग्री की तरफ जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर हम लोग देखें कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में T1 थायरिस्टर और जो T2 जो थायरिस्टर होगा कंडक्ट करने का काम करेगा। तो 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 120 डिग्री आपको जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहला T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो जो करंट है किस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ पर आप देखो जो करंट है आर फेज के थ्रू फ्लो करेगा, T1 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, लोड के थ्रू फ्लो करेगा, फिर उसके बाद T2 थायरिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा, और जो करंट है बी फेज के थ्रू फ्लो करेगा। तो जो करंट है वो ये आर फेज के थ्रू फ्लो कर रहा है और बी फेज के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो आर फेज का जो वोल्टेज इक्वेशन और जो बी फेज का जो वोल्टेज इक्वेशन है ये हमें कंसिडर करना है। और यहाँ पर आप देखो ये जो ओमेगा टी, इसके जगह हमें क्या पुट करना है 120 डिग्री पुट करना है, क्योंकि अगर हम लोग देखें 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच का हम लोग एंगल कंसिडर कर रहे हैं और T1 T2 कंडक्ट कर रहा है, तो ये जो 120 डिग्री है इसे हमें पुट करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आर फेस का हमें जो इक्वेशन जो मिल रहा है, आर फेस का जो इक्वेशन है इसमें अगर हम लोग ओमेगा टी के जगह अगर हम लोग 120 डिग्री पुट करते, ओमेगा टी के जगह अगर हम लोग 120 डिग्री पुट करते, तो जो आर फेस के लिए जो वोल्टेज होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अंडर रूट 3/2 VM। सिमिलरली अगर हम लोग देखें बी फेस के लिए जो वोल्टेज हमें जो मिलेगा, यहाँ पर ये बी फेस के लिए हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा ये इक्वेशन कंसिडर करना है, ओमेगा टी की जगह हमें क्या पुट कर देना है 120 डिग्री माइनस 240 हमें मिल जाएगा माइनस 120 डिग्री, और बी फेस के लिए आपको जो वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा माइनस अंडर रूट 3/2 VM। सिमिलरली यहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करो तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको मिलेगा अंडर रूट 3/VM। तो यहाँ पर आप देखो अंडर रूट 3/VM आपको कहाँ पर मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो अभी होगा क्या, जो वोल्टेज होगा वो 120 डिग्री से 150 डिग्री की तरफ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 120 डिग्री वोल्टेज 120 डिग्री से 150 डिग्री की तरफ आगे जाएगा,
तो जब वोल्टेज 120 डिग्री से 150 डिग्री के तरफ जाएगा, जब वोल्टेज 120 डिग्री से 150 डिग्री के तरफ आगे जाएगा, तो ऐसे केस में T1 थायरिस्टर और T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे। और अगेन जब हम लोग आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करेंगे, जब T1 थायरिस्टर T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे, तो जो करंट होगा वो अगेन T1 के थ्रू फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, T2 के थ्रू फ्लो होगा, B फेज के थ्रू फ्लो होगा। सिमिलरली जब हम लोग आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करेंगे, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कितना मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा 1.5 VM। आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, 1.5 VM। तो जो 1.5 VM है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें जब T1 और T2 कंडक्ट कर रहे हैं, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T1 T2 कब से कंडक्ट करेंगे, T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं, T1 T2 90 डिग्री से 120 डिग्री, 120 डिग्री से 150 डिग्री तक T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब 90 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 90 डिग्री और यहाँ पर ये 150 डिग्री। तो 90 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में T1 और जो T2 है वो कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये 150 डिग्री से, ये 150 डिग्री से 210 डिग्री के बीच में T2 और T3 कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो 210 डिग्री से 240 डिग्री तक T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें 210 डिग्री से 270 डिग्री तक T3 और T4 कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो 150 डिग्री है, 150 डिग्री से 210 डिग्री तक T2 T3 कंडक्ट कर रहे हैं। फिर 210 डिग्री से 270 डिग्री तक T3 T4 कंडक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये 270 डिग्री से 330 डिग्री तक T4 T5 कंडक्ट कर रहे हैं। 330 के बाद से T5 T6 कंडक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग कैसा मेमोराइज़ करें, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिक के हेल्प से आप इजीली मेमोराइज़ कर सकते हो कौन सा थायरिस्टर कौन सा एंगल के बीच में कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया 120 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में अगेन T1 T2 कंडक्ट करेगा, तो आपको जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर अगेन यहाँ पर आप देखो 150 डिग्री से, यहाँ पर ये 150 डिग्री से 210 डिग्री के बीच में T2 T3 कंडक्ट करेगा, तो जो वोल्टेज वेवफॉर्म है आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। अगेन यहाँ पर T3, यहाँ पर ये 210 डिग्री से 270 डिग्री तक के, यहाँ पर ये 210 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में अगेन T3 T4 कंडक्ट करेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगेन 270 डिग्री से 330 डिग्री के बीच में T4 T5 कंडक्ट करेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हमने जो वेवफॉर्म जो कंसीडर किया है वो फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री के, फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म मिलेंगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका 3-फेज कंट्रोल रेक्टिफायर काम करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कौन से डिग्री में कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके हेल्प से आप इजीली मेमोराइज़ कर सकते हो ये कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें ये तो पता है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 180 210 240 डिग्री 270 डिग्री 300 डिग्री 330 डिग्री और यहाँ पर ये 360 डिग्री। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने नंबर्स कंसिडर कर लिया 1 2 3, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर ये 6। यहाँ पर अभी अगर आप देखें, यहाँ पर ये डायग्राम को आप, ये जो सिंबल है आप इसको केयरफुली नोटिस करो। हम लोग जैसे ही राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो जो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, जैसे हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे तो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये T1 और यहाँ पर ये T1, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 हमने कंसिडर किया, तो ये 1 के अक्रॉस हमें कुछ इस तरीके से लाइन कंसीडर करना है और यहाँ पर भी लाइन। 3 के अक्रॉस हमें कुछ इस तरीके से लाइन कंसीडर करना है, यहाँ पर भी लाइन। 5 के अक्रॉस हमें कुछ इस तरीके से लाइन कंसीडर करना है और यहाँ पर भी हमें लाइन कंसीडर करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये T1 और यहाँ पर ये T1, यहाँ पर ये 3 दिखाई दे रहा है इसका और यहाँ पर इसका मतलब T3 और यहाँ पर ये T3। 4 को स्किप करते हुए 5 के लिए हमने लाइन कंसीडर किया था, तो ये T5 और यहाँ पर ये T5। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो जो 2 है ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ये T2 और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या आएगा, T6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो 3 से 4 की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 के बाद 4 आ रहा है, तो जो 4 होगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये T4 और 3 से पहला क्या आता है, 2 आता है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया T2। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 5 को कंसिडर कर लो, 5 के बाद क्या आता है, 6, तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, T6। यहाँ पर आप देखो 5 के बाद आता है 6, तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, T6। तो 5 के बाद आता है 6, तो ऊपर की तरफ जाएगा T6। 5 से पहला क्या आता है, 4 आता है,
तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, T4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखो ये T1 T6, यहाँ पर ये T1 T6, तो जो T1 T6 है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया 30 degrees से 90 degrees। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से एरो बनाना है, 30 degrees से 90 degrees, 90 degrees से 150 degrees, 150 degrees से 210 degrees, 210 degrees से 270, 270 से 300 degrees। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी आप देखो T1 T6, तो जो T1 T6 है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। फिर ये T1 T2, तो T1 T2 को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। फिर उसके बाद आप देखो T3 T2 को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। फिर ये T3 T4 को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। फिर ये T5 T4 को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। फिर ये T5 T6 को हमने लास्ट में कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर आप कोई भी एक रैंडम एंगल कंसीडर कर सकते हो, मतलब यहाँ पर ये 150 degrees से 210 degrees, तो 150 degrees से 210 degrees के बीच में T3 T2 कंडक्ट कर रहा है। तो 150 degrees से 210 T3 T2 150 degrees से 210, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये 150 degree से 210, तो T2 T3 कंडक्ट कर रहा है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम है जो कि है T3 T2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो कोई भी रैंडम एंगल कंसीडर कर लेते 270 से 330, 270 से 330 T5 T4 कंडक्ट कर रहा है। 270 से 330, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये 270 से यहाँ पर ये 330, यहाँ पर ये 270 से 330 T5 T4 कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो T4 T5 कंडक्ट कर रहा है। तो एक सिंपल सी ट्री है, ये सिंपल सा टेबल है जो कि मैं बेसिकली कंसीडर करता हूँ ये कौन सा थायरिस्टर कौन से एंगल पर कंडक्ट करेगा इसको मेमोराइज करने के लिए। अगर आपको सही लगता है तो आप ये कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट इज़ ऑन। डिस्कस कर लेते हैं थ्री फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। यहाँ पर हमने जो रेक्टिफायर जो कंसीडर किया था ये थ्री फेस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर था। थ्री फेस फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर हमने ये कंसीडर किया था। अभी हम लोग बात कर लेते थ्री फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो थ्री फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर की जो सर्किटरी है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली आपको तीन थायरिस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये T1 थायरिस्टर, यहाँ पर ये T2 थायरिस्टर, और यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया T3 थायरिस्टर। यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया R फेस, और यहाँ पर ये Y फेस, और यहाँ पर ये B फेस। R फेस का जो वोल्टेज हो यहाँ पर, Y फेस का जो वोल्टेज हो यहाँ पर, और जो B फेस का जो वोल्टेज हो यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जो लोड जो कंसीडर किया कौन सा लोड है, रेसिस्टिव लोड हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पर हम लोग वेव फॉर्म कंसीडर कर लेते हैं। वेव फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, थ्री फेस वेव फॉर्म जैसे कि हमने पहला भी डिस्कस किया था, 0 degree 30 degree 60 degree 90 degree एंड सो ऑन। हमने डिस्कस किया था कि जो वेव फॉर्म होती है इक्वेशन से गाइडेड होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमें कौन सी फेस दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो फेस है वो है बी फेस, यहाँ पर ये जो फेस है वो बी फेस है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो फेस है वो कौन सी फेस है, ये वाई फेस है, और यहाँ पर ये वाली जो फेस आपको जो दिखाई दे रही है वो कौन सी फेस है, आर फेस है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सबसे पहला आप देखो, यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ तक के आपको कुछ इस तरीके से बी फेस दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये जो T3 जो थायरिस्टर है उसके साथ हमने बी फेस लगा के रखा है। तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो जब T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर हमने आउटपुट वोल्टेज कंसीडर कर लिया। यहाँ पर फायरिंग एंगल अल्फ़ा हम लोग 0 degree कंसीडर करते हुए चलते, जब भी हम लोग फायरिंग एंगल अल्फ़ा को 0 degree कंसीडर करते हुए चले, तो ऐसे केसेस में आपका जो थायरिस्टर होता है वो कैसे एक्ट करता है, वो थायरिस्टर है वो डायोड के तौर पर एक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर ये आपको आर फेस मिल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये 30 degrees से जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये 30 degrees से 150 degrees के बीच में T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर ये जो T1 जो थायरिस्टर है वो आर फेस के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देखो कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक के 30 degrees से यहाँ तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 30 degrees से 150 degrees के बीच में आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पर T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ पर ये 150 degrees से 270 degrees तक आपको कौन सी फेस दिखाई दे रही है, वाई फेस दिखाई दे रही है, उसका मतलब 150 degrees से 270 degrees के बीच में T2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो 150 degrees से 270 degrees के बीच में T2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा।
यहाँ पर ये जो वेवफॉर्म हमने जो कंसिडर किया है वो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये 270 के बाद से आपको कौन सी फेज दिखाई दे रही है, बी फेज दिखाई दे रही है। बी फेज दिखाई दे रही है इसका मतलब कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। क्योंकि आप देखो जो T3 जो थायरिस्टर है वो कौन सी फेज के साथ लगा हुआ है, T3 जो थायरिस्टर है वो बी फेज के साथ लगा हुआ है। T3 थायरिस्टर कौन सी फेज के साथ लगा हुआ है, बी फेज के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर अभी आप देखो ये जो T3 जो थायरिस्टर आपको जो दिखाई दे रहा है ये बी फेज के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा, T3 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर हम लोग फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर अभी अगर हम लोग फायरिंग एंगल अल्फा 30 डिग्री कंसिडर करते हुए चले, अगर हम लोग फायरिंग एंगल अल्फा 30 डिग्री कंसिडर करते हुए चलते हैं तो जो गेट पल्स होगा वो हम लोग 60 डिग्री पर प्रोवाइड करते हैं। और सिमिलरली फायरिंग एंगल अल्फा 60 डिग्री अगर हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं तो जो गेट पल्स है उसको हम लोग 90 डिग्री पर प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको MCQ में पूछे जाने के चांसेस है। तो अगर आप फायरिंग एंगल अल्फा 30 डिग्री कंसिडर करते हुए चलो तो आपको जो वेवफॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी।